हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 विज्ञान बुक से चैप्टर 3 सूक्ष्म जीव के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास में है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सही विकल्प का चयन वाला क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वैकल्पिक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग हम लोग किसके उत्पादन में करते हैं, एल्कोहल के उत्पादन में करते हैं। ठीक है, एल्कोहल का उत्पादन हम लोग क्या हो जाएगा, एल्कोहल, यानी कि हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पास में है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो प्रतिजैविक कौन सा है, सोडियम बायोकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन या एल्कोहल या ईस्ट। तो हम लोग का प्रतिजैविक कौन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव जल, वायु, मिट्टी या इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे ये बताए थे आपको। ठीक है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था, तो पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, ये तीनों जो है ना प्रतिजैविक है। तो सबसे पहले जो खोजा गया था, ये खोजा गया था पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत आसान है, चैप्टर में पढ़ा हुआ चीज़ है, मोल्डिंग, किण्वन या नाइट्रोजन अस्थिकरण या संक्रमण। तो इसको हम लोग किण्वन बोलते हैं। ठीक है, किण्वन इसको बोला जाता है, आंसर बी सही है 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारण है घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी के कारण ज़्यादा रोग फैलता है। ठीक है, और डेंगू परजीवी का वाहक कौन है, तो मादा एडिस मच्छर है जो कि डेंगू की बीमारी को फैलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो दूध को दही में कौन परिवर्तित कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो है दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। दूसरा है, हेजा के द्वारा होता है, तो हेजा जीवाणुओं के द्वारा होता है, हेजा जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणु लेगुन पौधे की जड़ और ग्रंथि में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, राइजोबियम। तो राइजोबियम जीवाणु लेगुन पौधे के जड़ में और ग्रंथियों में पाया जाता है। पोलियो के द्वारा उत्पन्न रोग है, तो पोलियो कैसा रोग है, तो पोलियो एक वायरस का रोग है। ठीक है, वायरस, यह वायरस के द्वारा उत्पन्न एक रोग है। ठीक है, वायरस है ये। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की रस्ट के कारण होता है। तो गेहूं के रस्ट के कारण क्या उत्पन्न होता है वो बताना है। तो गेहूं का रस्ट के कारण कवक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कवक, तो कवक इसका आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन हो सकता है, चेचक के टीके की खोज ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। इसका आंसर आप दीजिएगा एडवर्ड जेनर, है ना, एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर उत्पन्न करता है प्रतिरक्षा, क्या उत्पन्न करता है, प्रतिरक्षक, है ना, प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। तो ये था फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों पूर्ति वाला क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कोलम क के जीवाणुओं को, जीवों को मिलान करके, कोलम ख से मतलब मिलान करना है। ठीक है, तो जीवाणु, जीवाणु जो होता है वो क्या होता है, तो जीवाणु जो होता है हेजा का कारण बनता है। ठीक है, तो इसको हम मिला देंगे हेजा के साथ में। और राइजोबियम जो होता है ये क्या करता है, नाइट्रोजन अस्थिकरण करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 नंबर में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे लैक्टोबैसिलस जो होता है दही जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा का बी हो जाएगा। और चौथा का अगर देखा जाए, ईस्ट, ईस्ट जो होता है ये क्या होता है, ईस्ट जो हम लोग बनाते हैं कि या बनता है ईस्ट। ठीक है, तो ये ब्रेड की बेकिंग में काम आता है, जो ब्रेड पकाते हैं वहाँ काम आता है। एक प्रोटोजोआ कौन है, या फिर एक विषाणु, एक प्रोटोजोआ अगर देखा जाए तो मलेरिया का कारक होता है एक प्रोटोजोआ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका क्या हो जाएगा, एक विषाणु है प्रतिजीवी उत्पादित करने वाला, नहीं तो, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए F नंबर। ठीक है, F सही होगा, क्योंकि जीवाणु AIDS के कारक बनता है। ठीक है, एड्स का कारण बनता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म जीव का मुख्य वर्ग बताना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते थे सूक्ष्म जीवों के 5 मुख्य वर्ग होते हैं। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है शैवाल और पांचवा है विषाणु। ये 5 मुख्य वर्ग होते हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव है, प्रमुख प्रतिजीवी के नाम लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में प्रमुख प्रतिजीवी का नाम लिखें, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये कुछ नाम है जो कि प्रतिजीवी हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रतिजीवी हैं जिनको हम लिख सकते हैं, तो तीन यहाँ नाम आपको बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मनुष्य में फफूंद से उत्पन्न दो रोगों के नाम बताना है। फफूंद से उत्पन्न दो रोगों के नाम बताना है, क्वेश्चन नंबर ये आपका सिक्स है। तो मनुष्य में फफूंद से उत्पन्न दो रोगों के नाम लिखिए, तो क्या होगा आंसर कि ड्रेमेटासाइट, एक्विजेमा और क्या हो जाएगा, एस्परजिलोसिस, है ना। तो ये हम लोग का कुछ बीमारी है जो कि हम लोग फफूंद के कारण उत्पन्न होता है मनुष्यों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन में, खाद्य में प्रयुक्त दो रसायन परीक्षकों के नाम बताना है। खाद्य परीक्षण में परीक्षकों के नाम बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेवन, इसका नाम हो जाएगा नमक। नमक से हम लोग क्या करते हैं, खाना को बचाते हैं, तेल से, सोडियम बेंजोएट से और सोडियम से बचाते हैं हम लोग खाना को, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो कि खाद्य यानी भोजन के परिरक्षण में प्रयुक्त दो रसायन परिरक्षकों के नाम है, दो से ज़्यादा नाम बता दिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन तक कर लिए हैं, एट से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि पूरा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेंगे, और साथ में इस वीडियो को लाइक करेंगे तो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।